हेलो गाइस। तो गाइस देख सकते हो गाइस, पहले देखो आप पत्ती इसमें कितना बड़ा, इसमें पत्ती लग के टायर फट गया, देख सकते हो 2-3 इंच फट गया। इसमें राउंड लगा के इसमें पच लगाने वाले है। और दूसरा देख सकते हो ये सीएट कंपनी का टायर है, उसका जो साइज आप देख के हैरान हो जाओगे कि देख सकते हो 255/65/18 टायर है। जो टायर का इस टाइम प्राइज है वो है 18-18.5 हज़ार प्राइज है, और ये कम से कम 80% गुड्डी है टायर का। और ये जो है ना, ये इंडेवर जो नवा मॉडल का जो फॉर्चूनर नहीं आता है उसका टायर है। तो हम इसमें पच लगाने वाला हूँ, पहले टायर खोल के और सारा चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो कितना बड़ा पत्ती है। तो चलो फटाफट टायर को खोलते हैं और कैसे पच लगता है और सारा चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले बता दूँ गाइस, ये ज़्यादा इसमें कट 2 इंची से ज़्यादा है, तो हम नॉर्मल कच्चा पच लगा के अंदर 3-4 इंची का और इसमें ट्यूब डालने वाला है। तो आप ट्यूबलेस करने का कभी कोशिश ना करें। बाकी आप वीडियो पूरा एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ टायर से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड हर तरह का जानकारी हम देते रहता हूँ, सिर्फ टायर से रिलेटेड। तो प्लीज़ देख सकते हो, फटाफट हम टायर को खोल लेते हैं। वीडियो फास्ट करना पड़ा तो वीडियो हमारा 10-15 मिनट का हो जाएगा। जो टायर खोलने का वीडियो है वो हम फटाफट फास्ट कर देते हैं कि आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा टायर खोलते कैसे हैं। देख सकते हो वैसे मशीन पर दोनों साइड से टायर लूज करके ना, हम इसमें आपको साइड से दोनों साइड दबा लेता हूँ हर, आपको उसके बाद खोल के आपको दिखाता हूँ टायर। तब तक हम आपको बता दें कि छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे हमारा देख रहे हो टायर ऑल द बेस्ट पेज पे, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करो फेसबुक पे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हो। देख सकते हो गाइस, हमारा जो टायर है वो खोल चुका है। इसके अलावा गाइस 2 पत्ती टूट के देख सकते हो, 5 इंची के कट पत्ती अंदर बड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, 5 इंची के कट पत्ती इसमें लगा हुआ था। अब ये टायर का क्या हाल होगा? अब भाई ये ठहरा जाएगा टायर, टायर फेंक तो नहीं सकते हैं। तो इसको हम रिपेयरिंग करके और सारा चीज़ करके आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस देख सकते हो, अंदर भी 2-2.5 इंची का कट है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको अंदर पच लगाना पड़ेगा, इसको ग्राइंडर से रगड़ के सब कुछ करके सारा चीज़ आपको डिटेल में हम बताएंगे कैसे होगा नहीं होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख सकते हो वैसे ये हमारे पास 3.5 इंची का पच है, वो भी ओके कंपनी का, सबसे बेस्ट कंपनी का। तो ये हम चीज़ें आपको लगा, इसके अलावा हम ग्राइंडर से रगड़ते हैं कि ग्राइंडर जल्दी हो जाता है। और जो एयर वाला ग्राइंडर मशीन है वो हमारा ख़राब हो चुका है, इसलिए हम ग्राइंडर से यूज़ कर रहे हैं, ग्राइंडर से भी रगड़ जाता है। हम ग्राइंडर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर बंदे नहीं कर पाता है, पर मुझे एक्सपीरियंस है कैसे करा जाता है नहीं करा जाता, इसलिए हम ग्राइंडर से रगड़ के और सारा चीज़ रगड़ के आपको दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट गाइस उसको रगड़ते हैं। तब तक अगले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करो यार और शेयर कर दो फटाफट। तो गाइस देख सकते हो अच्छी तरह से रगड़ ली है, जो 3 इंची का जो पच है 3 नंबर का, वही हिसाब से रगड़ेंगे, ज़्यादा नहीं रगड़ेंगे और ना कम रगड़ेंगे, लेकिन अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। देख सकते हो गाइस हम रगड़ लिए अंदर से। अब इसमें ना हम आपको सोल्यूशन लगा के और पच लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बस एंड तक जरूर देखें। मुझे लग रहा है कि गाइस पूरा रगड़ हो गया है भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज 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 प्लीज। तो गाइस हमारा जो रगड़ गया, जो 3 नंबर का पच है उसका साइज पूरा रगड़ा गया है। हम इसको सोल्यूशन रख दिए, इसको अच्छी तरह से मिला लिए हैं, इसे मिलाने से अच्छी तरह से चिपक जाता है। और जब भी आपको पच रखना है तो आपको हम एक चीज़ और बता दूँगे, ये काफ़ी टाइम आधा घंटा कम से कम इसको छोड़ना पड़ेगा सूखने के लिए, कि अच्छी तरह से सूख जाएगा तो बढ़िया लगेगा। वैसे देख सकते हो वैसे हम पच उखाड़ लिए हैं और पच को इसको चिपकाने की कोशिश करते हैं हम इसको। देख सकते हो अच्छी तरह सूख गया है और हम पच उसका जो सेंटर में है वो पच लगा देते हैं। देख सकते हो बस हमारा अच्छी तरह से जो पच है वो सेंटर में लग गया है और ये टायर अब कभी ख़राब नहीं होगा। इसमें अगर ट्यूब डाल देंगे ना कभी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा जो बाहर होता है, बाहर जहाँ से कट है, इसको हम अच्छी तरह से रिपेयरिंग करने वाला हूँ। फेविक्विक और जो हमारे पास एक कंपाउंड आता है, जो मसाला आता है, वो मसाला का मसाला आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक फॉलो करो, कि आपको हम जैसे फॉलो करोगे ना आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको हम वहाँ पर मसाला भिजवा देंगे। वो भी चार्जिंग नॉर्मल मतलब 100-200 रुपये का आपको मिल जाएगा अगर आप देख रहे हो वीडियो। तो देख सकते हो ये कितना कट लगा हुआ है, तो हम इसको अब मसाला भरते हैं और आपको बताते हैं हम। देख सकते हो ये हमारे पास मसाला है, मसाला जो है हम खुद बनाते हैं और आपको जिसको पता होगा उसको पता ही होगा। तो गाइस इसको फेविकोल डाल के मसाला से अच्छी तरह दबा देते हैं। वो मसाला जो होता है वो टायर का ही होता है, रगड़ा हुआ और उसी का बना होता है। इसको अच्छी तरह दबा लेंगे, टायर में कभी रोड पर चलेगा, हवा कम पे चलेगा तो टायर कभी ख़राब नहीं होगा।
बस भाई साहब हम आपको यही बार बार बोल रहे हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब 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 भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा ग्रो होगा चैनल, और हमारा इनकम तो कुछ होता नहीं है, बस आपके प्यार से इंतजार से आपको हम वीडियो बना कर देते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आपने उसे कुछ नहीं करना, एक क्लिक में आप शेयर कर सकते हो, इसमें कौन सा पैसा लगता है। गाइस देख सकते हो गाइस, हम मसाला भर के बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं, हर चीज़ हो गया है। अब इसमें हम टायर फिट कर, देख सकते हो गाइस किस तरह के इसमें उबाला मार रहा है, फेविकोल जो हार्ड होता है ना ये जल्दी टायर को जला देता है। गाइस हम आपको फिट करके दिखाने वाला हूँ, पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखे, बाकी आपको हम फटाफट फिट करके दिखाते हैं। वीडियो फिट भी पूरा फास्ट करें कि आपको कोई टाइम ना लगेगा ना कोई आपको दिक्कत लगेगा। तो इसमें जो टूटी लगा हुआ था नलकी लगा, तो उसको खोल लिया और फटाफट आपको स्पीड वीडियो करके आपको फिट करके दिखाता हूँ आपको, और हवा भर के सारा कुछ आपको दिखाएंगे। बाकी अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जरूरी नहीं है कि इस तरह का हमारा वीडियो होता है, हमारे चैनल पर हर तरह का वीडियो होता है। आपके बाइक में कौन सा टायर बेस्ट होगा, आपके कार में कौन सा साइज अवेलेबल होगा, कौन सा बेस्ट टायर होगा, वो चीज़ सारा चीज़ अवेलेबल हम बताते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। देख सकते हो गाइस इसमें